Error 403 presents पांच स्मार्टफोन जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। नंबर 5, निंटेंडो प्लस। दुनिया में शायद ही कोई गेमिंग का शौकीन हो जिसने निंटेंडो का नाम ना सुना हो। हाल ही में निंटेंडो के गेमिंग कंसोल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी और वो गेमिंग की मार्केट में लगभग सोनी के बराबर आ गया। पर क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अगर निंटेंडो भी स्मार्टफोन बनाने लगे तो वो कैसा होगा? ऐसा ही एक सुझाव दिया डिजाइनर जिसेपी एवेंजाटो ने, जिसके बाद निंटेंडो अपने पहले और एक बेहद ही एडवांस फोन के साथ मार्केट में आया, जो कि अपनी लुक्स की वजह से बहुत चर्चाओं में है। इसका 5.1 इंच का फुल HD AMOLED स्क्रीन, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इस फोन में क्वाटरकॉम स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर लगा है, जो एंड्रॉयड मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। पर ये कैसे संभव है कि निंटेंडो के फोन में गेम ना हो? इसके लिए उन्होंने इसमें अपने लेटेस्ट गेमिंग कंसोल के सारे फीचर डाले हैं। आप जैसे ही इस फोन के स्क्रीन को स्लाइड करते हैं, आपको समझ आ जाता है कि इस फोन को शायद गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके लिए इसमें 4 एक्शन बटन, 1 डी-पैड और 2 थंबस्टिक भी दिए गए हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से हटा और लगा सकते हैं। इस फोन में एक 3000 mAh की बैटरी और 12 MP का कैमरा भी है। नंबर 4, ट्रिपल डिस्प्ले फ्लिप। आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन फ्लैट स्क्रीन के साथ आते हैं, जिनमें फीचर्स तो बहुत हैं पर वो लुक्स में लगभग सेम ही हैं। इसी समस्या को दूर किया डिज़ाइनर क्रिस्टीन लॉरेंस ने, जब उन्होंने 3 स्क्रीन वाला एक फ़ोन बनाया, जिसमें आप स्क्रीन्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ़ोन में आप एक ही समय पर बहुत से काम कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको एक किताब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तीनों स्क्रीन सुपर AMOLED के साथ आती हैं, जिस पर गोरिल्ला ग्लास लगा है, जो इसको सुरक्षा देता है। इतना ही नहीं, क्वार्टी कीपैड के दीवानों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, जो आपको टाइपिंग का बेहतरीन अनुभव देती है। ये फ़ोन एंड्रॉयड पर चलता है, जिसकी तीनों स्क्रीन्स को मिलाकर एक नॉर्मल फ़ोन में भी बदला जा सकता है। इस फ़ोन को 6 अलग अलग शेप दी जा सकती हैं, जो आपको शायद जल्द बोर नहीं होने देंगी। नंबर 3, लिनोवो C+। जहाँ बहुत सी कंपनियाँ अभी भी कर्व फ़ोन बनाने की सोच रही हैं, वहीं बहुत सी कंपनियों के लिए कर्व स्क्रीन फ़ोन अब पुरानी बात हो चुकी है और वो अब इससे बहुत आगे जाते हुए ऐसे फ़ोन बनाने जा रहे हैं जो आप घड़ी की तरह अपनी कलाई पर पहन सकें। ये फ़ोन पूरी तरह से बेंड हो जाते हैं और आराम से काम भी कर सकते हैं, वो भी बिना टूटे। लिनोवो इस फ़ोन को 2 वेरिएंट्स में मार्केट में लाने की तैयारी में है, स्मॉल और लार्ज, जिसको उन्होंने नाम दिया है C+। ये फ़ोन अभी प्रोडक्शन में नहीं है, परंतु जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो इसकी तारीफ करते नहीं थकते। इस फ़ोन की हर चीज़ या तो बेंड हो सकती है या उसे ऐसी जगह लगाया गया है कि फ़ोन के बेंड होने पर उस पर कोई असर ना पड़े। इतना ही नहीं, इसकी बैटरी भी बेंड हो सकती है। इस तरह के फ़ोन अभी कॉन्सेप्ट ही हैं, पर शायद C+ वो पहला फ़ोन होगा जिसको लोगों के सामने रखा गया, जिसके बाद से लोगों में इस फ़ोन को लेकर एक अजीब सा उत्साह है। नंबर 2, द DRS फ़ोन। हर एक नए फ़ोन के लॉन्च के साथ फ़ोनों का साइज़ बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ समय में वो शायद कंप्यूटर की स्क्रीन से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन के साथ आने लगेंगे। आज ज़्यादातर फ़ोन जो मार्केट में मौजूद हैं, उनका साइज़ इतना बड़ा है कि वो आसानी से आपकी जेब में नहीं आते हैं, पर किसी ना किसी को तो इसको रोकना ही था। तो DRS ने बना दिया है दुनिया का पहला फोल्डिंग फ़ोन, जो आपके पर्स की तरह फोल्ड होकर आपकी जेब में आ सकता है। सॉलिड फ्रेम वाले इस फ़ोन की स्क्रीन भी फोल्ड हो जाती है, इसकी वजह से इसकी स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता है और इसकी परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट रहती है। जब आप इसको अनफोल्ड करते हैं तो इसका साइज़ किसी और आम फ़ोन के जितना होता है। इसके फोल्ड होने के बाद भी आप इसमें टाइम देख सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं और वेदर रिपोर्ट्स भी पता कर सकते हैं। नंबर 1, Xenophone AR। पहली बार देखने में ये कोई आम फ़ोन ही लगता है, जो कि 5.7 इंच की स्क्रीन, क्वाड कोर प्रोसेसर और क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। इस तरह के फीचर्स आजकल के फ़ोनों में आम हैं, हालांकि यह गूगल की नई टेक्नोलॉजीज टेंगो एंड डे ड्रीमिंग का उपयोग करने वाले फ़ोनों में से एक है, जो इसको और फ़ोनों से बहुत अलग बनाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, मोशन एंड ट्रैकिंग सेंसर के साथ इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है।
अगर आम भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को अपने फ़ोन की मदद से बदल और मॉडिफाई कर सकते हैं, शायद कुछ कुछ फोटोशॉप जैसा। बस इसमें आपको इतना समय नहीं लगेगा और आप इसको लाइव कर सकेंगे। आप किसी भी जगह को अपने हिसाब से लाइव डिज़ाइन कर सकते हैं। AR तकनीक की वजह से ये फ़ोन किसी भी मोशन और जगह को इंसानों की तरह देख और समझ सकता है। उन लोगों के लिए शायद ये बेहतरीन फ़ोन है जो दुनिया को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोज़ आप देख सकें। धन्यवाद।